वर्णन कर अपनी आत्मा को शांति प्राप्त करवाते हो। श्री राम बड़ी सुंदर समय है, आप दोनों बंधु अपने भगवान का ध्यान करें, अर्चन करें, वंदन करें और पूजन करें। तुम्हारे द्वारा ही नहीं वरन हमारे साथ जितना भी विश्व मंडल है सभी इस समय का सदुपयोग करते हुए मां सूर्या का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को पा करके युगल कुमार संत वंदना के लिए उद्यत होते हैं। सुने प्रभु श्री राम जी की अमृतमयी वाणी। गुरुदेव महाराज जी के प्रति संध्या के प्रति क्या विचार है प्रस्तुत है सुन। प्रभु श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधु को मां संधि की उपासना और वंदना करने का आदेश दिया गया। बड़ा प्यारा श्रृंगार है मां संध्या का और बड़ा प्रिय वातावरण है यहाँ का। मन को मोह लेने वाला यह मां संध्या का श्रृंगार हमारे नेत्रों को अपार सुख की अनुभूति करा रहा है और नेत्रों को अपार सुख तभी प्राप्त होता है जब वातावरण में शांति का सामंजस्य और ऐसी शांति जब प्राप्त होती है तो हृदय गदगद हो जाता है। आज इस समय प्रकृति का सौंदर्य भी मनोहारी लग रहा है क्योंकि कणकण में ज्ञान के रूप में विद्यमान संतों का दर्शन। इस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन और रात्रि का आपस में मिलन हो रहा है। इसी पावन शुभ मेला पर श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश दिया गया। अगर हम यह विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए तो संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है और यज्ञ से होने वाले लाभ सभी को प्राप्त होते हैं। तो आज यज्ञ संध्या रूपी यज्ञ, संध्या तर्पण हवन यज्ञ, योग का ध्यान लगाए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनत बनत बन जाए। अतः संध्या करना हमारा ही नहीं इंद्रजात प्राणियों का परम धर्म है। संध्या के संदर्भ में कुछ कहना चाहती हूँ भैया। स्वामी आपके और गुरु जी ने प्रतिदिन संध्या के संदर्भ में लक्ष्मण को ज्ञान नित्य प्रदान किया, परंतु आज विचार करते हैं भैया लक्ष्मण ही नहीं जात हमारी दृष्टि आती है, प्रत्येक व्यक्ति संध्योपासन में ही लिप्त है। कर्मों में कर्ता बन के अपमान का परित्याग करना यहाँ आत्मजीवन का मुख्य उद्देश्य है और विचित्र व्यक्तियों की यथा को हटाना अथवा कटाना यह आत्मजीवन का द्वितीय लक्ष्य है। काम क्रोध लोभ मोह